हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। पिछली क्लास में हम लोग सीआई चैप्टर पे डिस्कस कर रहे थे। हमारा एसआई कंप्लीट हो चुका था, एक लेक्चर सीआई का भी हो चुका है। ठीक है, उसमें हमने बेसिक कुछ हमारे फार्मूले होते हैं उनको भी डिस्कस किया हुआ था, और उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन थे छोटे छोटे उन पर डिस्कस किया था। आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हों तो पहले उसको ज़रूर देख लें, उससे आपको बहुत हेल्प होने वाली। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग आज 50 तक हमारा हो गया था। अब हमारे अगले टाइप का क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 51। ठीक, तो आज की बीच क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहा गया है। देखिए, इसमें दे रखा है कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो बताइए कितने वर्षों में वह धन 9 गुना हो जाएगा। अब देखो, इसका बेसिक तरीका भी है और इसका ट्रिक भी है, तो हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेसिक पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिक से करने का कोई मतलब नहीं होता है, बहुत लेंदी होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग अपने सीधे ट्रिक को आजमाते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारी ट्रिक क्या है। देखो, एक जगह समय दिया होता है और गुना, ये सीआई चैप्टर की बात है। सीआई में होता क्या है, जब ऐसा क्वेश्चन मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में कि 4 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा है, फिर हमसे पूछा हो कि इतने वर्ष में कितना गुना हो जाएगा या कितने वर्ष में इतना गुना हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक जगह समय लिखते हैं अपना। क्या लिखते हैं? समय। ठीक, एक जगह लिखेंगे समय और एक जगह लिखेंगे हमारा गुना। क्या लिखेंगे? गुना। हमने क्या कहा, कैसे करेंगे, एक जगह हम लोग लिखेंगे समय और एक जगह लिखेंगे गुना। अब समय के नीचे आप समय लिखो, समय के नीचे समय क्या है, 4 वर्ष दिया है ना, 4 वर्ष दिया है, हमने समय के नीचे 4 वर्ष लिख लिया। स्टार्टिंग में गुना दिया है, 4 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा है, तो गुना के नीचे हम लोग 3 लिख लेंगे, हो गया, इतना काम कर लेंगे। फिर आगे कहा है वह धन कितने वर्षों में, तो हम लोग दूसरा समय मानेंगे टी वर्षों में, यही हमें टी का मान निकालना है। दूसरा समय क्या मानेंगे, टी वर्षों में। कहा है कितने समय में, हमने मान टी वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, तो हम लोग 9 को क्या करेंगे, इसी 3 के रूप में लिखेंगे, इसी 3 के रूप में लिखेंगे। तो 9 को अगर हम 3 के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 3 पे घात 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हो जाएगा ना 3 पे घात क्या 2। इसी 9 को हम लोग क्या करेंगे, 3 के रूप में लिखेंगे, यहाँ पे जो पहला गुना दिया रहेगा ना उसी के रूप में बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये 3 पे घात 2 बन गया, मतलब 9। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखो, अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ वाली जो घात है ना, ये यहाँ वाला जो समय है इससे यहाँ वाली घात से हम लोग गुणा कर देंगे। जो नीचे वाली गुना पे घात बनी होती है हम लोग बनाते हैं, पहले वाले समय से दूसरे वाले घात में गुणा कर देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 4 का गुणा 2 में तो कितना आया, 8 आया, तो यही टी का मान क्या हो जाएगा, 8 वर्ष। मतलब 8 वर्ष में धन कितने गुना हो जाएगा, अगर 4 वर्ष में 3 गुना होता है तो 8 वर्ष में कितने गुना, 9 गुना हो जाएगा। ओके, बात क्लियर है। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, ऐसे ही काम करेंगे। चलें क्वेश्चन नंबर 51, 51 हो गया, क्वेश्चन नंबर 52। देखें क्या कहा है, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो बताइए कितने वर्षों में, कितने वर्षों में वह धनराशि 16 गुना हो जाएगी। देखो सेम क्वेश्चन है, देखो क्या दिया है, एक जगह हम लोग लिखेंगे समय, हमने कहा था एक जगह हम लोग क्या लिखेंगे, समय, और एक जगह लिखेंगे गुना, एक जगह क्या लिखेंगे, गुना। ठीक, समय दिया है हमारे पास 5 वर्ष स्टार्टिंग में, और धन हो रहा है हमारा 2 गुना, 5 वर्ष में कितना गुना हो जा रहा है, 2 गुना, तो हमसे पूछा है कितने वर्षों में, तो हम लोग मानेंगे टी वर्षों में 16 गुना हो जाए। अब इस 16 को हमने कहा इस पहले वाले गुना के रूप में लिखेंगे, पहले वाले गुना के घात के रूप में लिखेंगे, अगर पहले वाले गुना के घात के रूप में नहीं लिख पाएंगे तो हमें बेसिक तरीका लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बताओ आप 16 को 2 की घात के रूप में लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। 16 का मतलब क्या, 2 की घात 4, 16 का मतलब क्या, 2 पे घात 4। अब देखो पहले वाले समय का, पहले वाले समय का दूसरे वाले गुना की घात जो आती है उससे गुणा कर देते हैं, 5 और 4 का गुणा कितना, 5 और 4 का गुणा 20, तो समय आपका कितना आ गया, 20 वर्ष, ठीक है ना, आपका समय कितना आ गया, 20 वर्ष, तो ये 20 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखें 20 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, क्लियर। चलिए चलिए आगे, अगला क्वेश्चन हमारा टाइप बदल गया है, ठीक है ना, टाइप अगला आ गया है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कोई धनराशि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो बताइए 12 वर्षों में वह कितने गुना हो जाएगी। अब देखो, अब यहाँ पे खेल थोड़ा सा बदल जा रहा है, यहाँ पे हमारा ट्रिक डायरेक्ट नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा? क्योंकि जो दूसरा वाला गुना है इसकी घात के रूप में, सॉरी, जो पहला वाला गुना है इसके घात के रूप में हम दूसरे वाले गुना को नहीं लिख पाएंगे। देखो पिछले क्वेश्चन में 9 दिया था, तो 9 को हमने पहले वाले गुना के रूप में बदल लिया था, 3 पे घात 2 कर लिया था, ठीक है ना। लेकिन क्या 12 को आप 3 के रूप में बदल सकते हैं? नहीं बदल पाएंगे 3 के घात के रूप में। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, दिया है 4 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा है, ठीक है ना। हम लोग मानते हैं कि माना धनराशि, धनराशि आपकी क्या थी, बिल्कुल बेसिक तरीका है, देखो बेसिक तरीका, माना धनराशि हमारी ₹P है, ₹P, ठीक है ना, धनराशि ₹P है। तो कहा है 4 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा है, तो 4 वर्ष में 3 गुना मतलब A का मान कितना हो जा रहा है, 3P बराबर, अगर धनराशि हमारी P है, A बराबर P, 1+R/100n, ये हमारा फार्मूला होता है। तो A का मान दिया है 3 गुना हो जा रहा है, मतलब 3P हो जा रहा है, अगर मूलधन ₹P है, ठीक। और ब्रेकेट में 1+R भी हमें नहीं पता है, R/100, यहाँ पे घात क्या 4, यहाँ पे घात क्या, देखो घात 4 लिखा है ना, तो घात हम लोग क्या कर लेंगे, 4 कर लेंगे, ठीक है ना। 4 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, तो घात 4 कर दिया। अब ई पी से पी कट गया, तो 1+R/100, 1+R/100 और इस पे घात 4, ये बराबर क्या है आपका, 3 आया, ठीक है ना। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण हमारा पहला बन गया, ठीक, ये हमारा एक समीकरण बन गया, चलिए ठीक है ना, हो गया। अब आगे देखते हैं, फिर आगे कहा गया है दूसरी कंडीशन में तो बताइए 12 वर्षों में वही धनराशि कितनी गुनी हो जाएगी, यही पी जो धनराशि है ये 12 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। हमें ये बात बतानी है कि यही धनराशि 12 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी, चलिए देखते हैं। अब यहाँ लगा रहे हैं इधर, ठीक है ना, यहाँ नीचे नहीं लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं। देखो 12 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी ये हमें बताना है, तो ₹P है, हमारी मूलधन कितना है, ₹P है, और हमारे पास अब समय कितना जा रहा है, यहाँ पे जो समय 4 था, ये यहाँ पे जो समय हमारा 4 था, अब वो समय हमारा हो गया है 12 वर्ष, ठीक है ना। हमें बताना है 12 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। देखो एक तो ये बेसिक तरीका है, इसको ऐसे लगाते हैं, ऐसे आप लगाने पे थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसके लिए ये जो क्वेश्चन है इसका फॉर्मेट हमारा थोड़ा सा चेंज है, इस पे हम लोग एक तरीका और लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये बेसिक तरीका है, अभी बता रहे हैं। देखो एक हमारा सूत्र और होता है, होता क्या है, हम लोग डायरेक्ट ऐसे बनाते हैं, गुना लिखते हैं और इसके पावर T2/T1, ठीक है ना, ये सीधे सीधे हम लोग गुना पे पावर T2/T1 कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है ना। देखेंगे गुना कितना है, तो हमें दिखा गुना 3 है, 3 गुना है, तो गुना के स्थान पे 3 लिख देते हैं, T2 हमारा 12 है और T1 हमारा 4 है, T2 के स्थान पे 12 और T1 के स्थान पे 4 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो जो कटने के बाद आता है वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। जैसे गुना के स्थान पे आपका 3 है, अब बेसिक तरीका मत लगाओ, ये बेसिक बहुत बड़ा है, ठीक है ना, गुना के स्थान पे 3 रख दिया, T2 का मान आपका 12 है, 3 पे घात 12, और बटा T1 का मान 4 है, T1 के स्थान पे 3 रख दिया, तो ये आपका क्या आ गया, 3 पे घात 12 में 4 का भाग दिए 3, और 3 पे घात 3 कितने के बराबर, 9 के बराबर, मतलब 9 वर्ष आपका आंसर, देखो जहाँ भी होगा 9 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका ज़्यादा बढ़िया, ठीक है ना, आप लोग इसके चक्कर में मत पड़ो, ठीक है, ये वाला तरीका देखो, ये हमारा ट्रिक है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, गुना के पावर T2/T1, क्या गुना पे पावर T2/T1, यही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है ना, इसको छोड़ दो। चलिए यहाँ से आप लोग इसको लगा लेना, ठीक, इसको हम लोग हटाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक। तो ये हो गया आपका 9 वर्ष उत्तर। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखें अगला क्वेश्चन 54। कोई धनराशि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 1.5 गुना हो जाता है, तो बताइए 15 वर्ष में वह धनराशि कितने गुना हो जाए। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, उसी के जैसा इसको भी लगा लेंगे, ठीक है, उसी की तरह इसको भी लगा लेंगे। हमने क्या कहा, गुना पे घात T2/T1 बताया हमने, गुना लिखेंगे और इस पे घात T2/T1, ठीक,
चलिए गुना कितना दिया है, डेढ़ गुना, दो एक के दो एक तीन, डेढ़ मतलब क्या, तीन बटा दो गुना। टी टू दिया है 15 बार, टी वन दिया है 5 बार, टी टू का मान है 15 और बटा 5। अब 15 बटे 5 मतलब क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 15 में 5 का भाग देंगे 3, मतलब 3 बटा 2 पे घात 3, और 3 बटा 2 पे घात 3 का क्या मतलब है, 27 बटा 8, 27 बटा 8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब धनराशि कितने गुना हो जाएगी, 27 बटे 8 गुना। ओके, तो ये बात क्लियर हुई होगी। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक, ये हमारा सेकंड वाला आंसर है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 55। चलिए यहाँ देखते हैं, कहा है 4000 रुपये किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6000 रुपये हो जाता है, तो बताइए 8 वर्षों में वह धनराशि कितने गुना हो जाएगी। अब देखो, अच्छा कोई धनराशि गुना का क्या मतलब है, गुना का यही मतलब है कि देखो, अगर हमारा मिश्र धन है ए और मूल धन है पी, तो अगर हम ए बटे पी कर दें, मान लेते हैं हम ए वर्ष बाद हमारा मिश्र धन ए रुपये हो जाता है, ठीक है ना, एक वर्ष बाद हमारा मिश्र धन ए रुपये हो जाता है, मूलधन हमारा पी रुपये था, एक वर्ष बाद ए रुपये हो गया, तो अगर हम इसी ए रुपये में मिश्र धन में मूलधन का भाग दे दें, तो यही तो हमारा गुना हो जाता है, ठीक है ना, यही क्या हो जाता है, हमारा गुना हो जाता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग फार्मूला अपना बना लेते हैं, जहाँ पे मिश्र धन और मूलधन दे दिया हो, ठीक है ना, यहाँ गुना डायरेक्ट नहीं कहा है, लेकिन गुना हम बना लेंगे। गुना कैसे बनाएंगे, हमें पता है मिश्र धन बटा मूलधन ही होता है क्या, गुना, ठीक है ना। जैसे हम कहें आप 2 रुपये जमा किए किसी बैंक में, एक वर्ष बाद आपको 3 रुपये मिल गया, तो आपकी धनराशि कितनी हो गई, 3 बटा 2 गुना। तो आप कहोगे हमारी धनराशि एक वर्ष बाद 3 बटे 2 गुना हो गई, 3 बटे 2 गुना कैसे, 2 रुपये आपने जमा किया था, एक वर्ष बाद आपको 3 रुपये मिल गया, ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि आपकी धनराशि कितना गुना हो गई, तो आप कहोगे 3 रुपये मिला है, 3 हो गया और नीचे हो गया 2, पहले हमारी धनराशि 2 रुपये थी, तो मतलब 3 बटा 2 गुना, ठीक, यही है मिश्र धन बटा मूलधन। चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, अब देखो सीधे जहाँ भी गुना बताना होगा, ये बराबर हो जाएगा ए मतलब मिश्र धन ए बटा पी, और पावर वही T2 बटा T1, पावर क्या T2 बटा T1। चलिए आपका ए का मान दिया है 6000 रुपये, 4000 रुपये 6000 हो जा रहा है, ए का मान है 6000, और पी का मान है आपका 4000, पी का मान है हमारा 4000, और T2 देखो आपका कितना है, T2 है आपका 8 वर्ष और T1 है आपका 4 वर्ष, ठीक है ना। अब इस 4 से इस 8 को काटोगे आप 2 बार में, तो यहाँ पूरे पे घात 2 हो गई, ए 3 0 3 0 काट लो, 2 से 6 को 3 बार में और 2 से 4 को 2 बार में, 3 बटा 2 का वर्ग, 3 बटा 2 का वर्ग क्या मतलब है, 9 बटा 4 गुना आपकी धनराशि हो जाएगी, तो जहाँ भी आपका 9 बटे 4 होगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बना, 9 बटा 4। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा है, 5000 रुपये किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8000 रुपये हो जाता है, तो बताइए 9 वर्ष में वह धनराशि कितने रुपये हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे हमसे गुना नहीं पूछा, रुपये पूछा है, तो क्या दिक्कत है, हम लोग गुना निकाल लेते हैं, भाई 5000 रुपये 3 वर्ष में 8000 हो रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि 9 वर्ष में ही 5000 रुपये कितना गुना हो जाएगा, उसी से 5000 में गुणा कर देंगे, वही हमारी क्या हो जाएगी, 9 वर्ष बाद धनराशि हो जाएगी। चलिए लगाते हैं इसको, देखो सबसे पहले हम लोग गुना निकालेंगे, हमने गुना का सूत्र क्या बताया था, गुना का सूत्र बताया था ए बटा पी, मिश्र धन बटा मूलधन और पावर T2 बाई T1, T2 बटा T1। चलिए ये हो गया, आप A और P का मान रखो, देखो A की वैल्यू आपकी देखो दे रखी है 5000, सॉरी A की वैल्यू आपकी है 8000, P की वैल्यू आपकी है 5000, और T2 की वैल्यू आपकी कितना है, T2 की वैल्यू आपकी है 9, और T1 की वैल्यू दे रखा है 3। इस 3 से इस 9 को काटेंगे 3 बार में, 3 0 काट लो 3 0 काट लो, 8 पे घात 3, 8 8 64 512, और बटा 5 पे घात 3, 5 5 25 5 125, मतलब यही 5000 रुपये ना, जो 3 वर्ष में 8000 हो रहा है, यही 5000 रुपये अगर 9 वर्ष में देखोगे, तो 512 बटे 125 गुना हो जाएगा, कितना,
512 बटे 125 गुना। तो हमसे धनराशि पूछा था 9 वर्ष बाद कितने रुपए हो जाएगी, तो 5000 रुपए का इतना गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम धनराशि देखते हैं। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, धनराशि देखो 9 वर्ष बाद धनराशि, 9 वर्ष बाद धनराशि, बाद धन राशि, चलिए 9 वर्ष बाद धनराशि बराबर हमारी हो जाएगी 5000 रुपये हमारा है, और ये 9 वर्ष बाद हो जाएगा 512 बटे 125 गुना, 512 बटे 125 गुना। आप 125 से 500 को काटोगे तो ये कितनी बार में, चार बार में कट जाएगा, और एक जीरो है तो 40 बार में, 5125 से 40 बार में कट जाएगा, और 40 और 512 का आप गुणा करा लो, जीरो हो जाएगा लास्ट में, 4 और 2 का गुणा 8 हो गया, और 4 1 का गुणा 4 हो गया, और 4 5 का गुणा 20 हो गया। तो आपकी धनराशि जो हुआ, आपका धनराशि अमाउंट अब नया वाला क्या आ गया, 20,480 रुपये। अब 20,480 जहाँ भी होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, बात क्लियर। चलिए अब आते हैं 57 नंबर के क्वेश्चन पे। चलिए 57 नंबर में देखें क्या कहा गया है। कोई धनराशि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, तो बताइए वह धनराशि कितने वर्षों में, वह धनराशि 16 गुना हो जाएगा। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8 गुना हो रही है। अब यहाँ पे हम लोग ये वाला सूत्र नहीं लगा पाएंगे, अभी जो लगा रहे थे एक जगह गुना लिख रहे थे और एक जगह समय लिख रहे थे, एक जगह समय लिख रहे थे एक जगह गुना लिख रहे थे, ठीक है ना। तो समय के नीचे हमने बताया था समय लिखो, गुना के नीचे आप गुना लिखो, और T2 हमें दूसरा बताना हुआ रहता था और गुना दिया रहता था 16, तो हम कहते थे 16 को पहले वाले के रूप में लिखो घात में, पहले वाले गुना के घात के रूप में दूसरे वाले गुना को व्यक्त करना होता था। तो क्या आप 16 को 8 के घात के रूप में व्यक्त कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो इसका मतलब इससे नहीं लगेगा, ये इससे नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, तो देखो इसका बेसिक लगा लेंगे, इसका बेसिक बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है बिल्कुल, एक बार समझ जाओ तो एक लाइन में ही आ जाता है। ठीक, देखो 3 वर्ष में 8 गुना हो जा रहा है। आप मान लो ना स्टार्टिंग में जो आपका धनराशि था, आपका मूलधन जो है उसको हम पी रुपये मान लेते हैं, ठीक है ना। मूलधन हमारा जो है हम लोग मान लेते हैं हमारा पी रुपये था, पी रुपये। चलिए अगर मूलधन हमारा पी रुपये था तो 8 गुना हो जा रहा है, मतलब मिश्रधन हमारा कितना हो जा रहा है, 8p हो जा रहा है, बराबर p 1+r/100 सूत्र यही होता है। और घाते कितना, 3 साल में ये बात हो रही है, आप p से p काट लो, ठीक है ना। तो देखो 1+r/100 1+r/100 ये बराबर क्या हो जाएगा, इस 3 का इधर लाओगे तो इधर वर्गमूल हो जाएगा, 8 का वर्गमूल कितना, 2। तो ये हमारा बन गया समीकरण पहला, ठीक है ना। ऐसे अभी हम एक क्वेश्चन को बता रहे थे तो लेकिन वहाँ पे ट्रिक हमारी लग रही थी इसलिए हमने ट्रिक बता दिया, ठीक है, इसको बेसिक को ड्रॉप कर दिया था। यहाँ पे देख लो इसको पूरा, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं लगेगी। अब देखो फिर कहा है तो कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी, वही जो पी रुपये है उसी को अब 16p होना है, कितना होना है 16p, 16 गुना होना है, मतलब 16p होना है सेकेंड केस में। चलिए सेकेंड केस हम यहाँ पर बना ले रहे हैं, यहाँ पर उसी धनराशि को 16p होना है, बराबर पी 1+r/100, और यही हमें समय का मान बताना है, समय हम लोग मानते हैं कि n वर्ष में, ठीक है ना, n, यही हमें समय का मान बताना है। चलिए पी से पी काट लो। अब आप बताओ 1, ये 16 है, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4, बराबर 1+r/100, 1 r/100 बराबर 2 है, तो क्या यहाँ पे हम 1 r/100 के स्थान पे 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 की घात क्या हो जाएगा n। अब देखो तुलना कर लो, जब आधार बराबर होती है तो घात भी बराबर होती है, दो संख्याएं आपस में बराबर हैं, इनका आधार बराबर है तो घात बराबर, और घात बराबर है तो आधार बराबर, ठीक है ना, तभी दोनों बराबर होंगी। तो आधार बराबर है इसलिए घात भी बराबर हो जाएगी, अतः n बराबर कितना, n बराबर 4 वर्ष, 4 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये 4 वर्ष आपका क्या, आंसर हो जाएगा, ठीक, 4 हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारा अगले टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा टाइप क्या हुआ है, चेंज हो गया है। 4000 रुपया 20% वार्षिक ब्याज की दर से
डेढ़ वर्ष में कितने रुपए हो जाएगा जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाता है। देखो डेढ़ वर्ष की बात किया है, अब देखो यहाँ पे ब्याज एक चीज और दिया है, इसको देखना छमाही संयोजित किया जाता है, ब्याज वार्षिक नहीं चल रहा है। अगर यही छमाही ना दिया होता तो हम लोग अपने मन से मान लेते कि एक एक वर्ष में ब्याज को कलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ लिख दिया गया है कि ब्याज छमाही संयोजित किया जा रहा है, इसका मतलब हर छः छः महीने पे ब्याज लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है, अगर आप एक वर्ष पे ब्याज ले रहे हो तो आपको ब्याज थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन अगर आप छः छः महीने के स्लॉट में ब्याज लेंगे तो आपको ब्याज एक साल में ज़्यादा मिलेगा। चलिए वही हमें बताना है, ब्याज जब छमाही संयोजित किया जाएगा तो उसका जो है 4000 रुपये कितना हो जाएगा। अच्छा आप बताओ डेढ़ वर्ष बराबर एक सही एक बटा दो वर्ष, डेढ़ वर्ष है ना, डेढ़ वर्ष बराबर कितनी छमाही होती है, तीन छमाही होती है, तीन छमाही छमाही। डेढ़ वर्ष बराबर एक वर्ष में 12 महीना और आधे वर्ष में 6 महीना, डेढ़ वर्ष में 18 महीने, और 18 एक छमाही में 6 महीना होता है तो 18 को आप 6 से भाग दोगे तो 3 आएगा, मतलब 18 महीने में तीन छमाही, तीन छमाही आ गई हमारा, डेढ़ वर्ष बराबर तीन छमाही। अब आप दर देखो 20% वार्षिक दिया है ना, अगर आप छमाही ब्याज संयोजित कर रहे हो तो आपको ब्याज जो है वार्षिक नहीं छमाही लेना पड़ेगा, और छमाही ब्याज आपका कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा आपका रेट। ये जो 10% वार्षिक है, वार्षिक इसको अगर हम लोग छमाही में बदलेंगे यही बराबर हो जाएगा 5% छमाही, 5% छमाही। भाई एक वर्ष में 10 ले रहे हो तो 6 महीने में 5% लोगे ना, तो ये 5% छमाही हो गए। देखो हमने छमाही निकाल लिए, तीन छमाही टोटल समय है और 5% एक छमाही का ब्याज है, तो 4000 रुपये कितना हो जाएगा। अब आप लगा दो सिंपल सा ए बराबर पी, ए बराबर पी, और पी का मान है आपका 4000 ब्रेकेट में 1 + r, r का मान है 5/100 और घाते कितना 3, 5 से 100 को काट दो आप 20 बार में, 20 × 20 = 21, 21/20 ए बराबर आपका आ गया 21, सॉरी यहाँ पे दिया है 4000 गुणे 20 का आप घात 3 कर लो, 20 का घात 3 मतलब 20 × 20 × 20 ये हो गया, और 21 का घात 3 का क्या मतलब है, 21 × 21 × 21, ठीक है ना, ये हो गया 1 2 3, 1 2 3, 3 0 कट गया। चलिए 1 2 2 4, ये 4 कट गया, नीचे 2 बचा ऊपर 21 21 21। चलिए देखो क्या हो जाएगा, 21 × 41, यहाँ पे इसको आप कर लो ना 8000 रुपये, ठीक है, तो आराम से कट जाएगा और आराम से आंसर भी आ जाएगा। तो 8000 कर लेंगे, ये 2 भी कट जाएगा, ठीक है ना, 2 × 4 × 8, 8 से ये 8 कट गया, और ये 0 0 0 कट गया। 21 × 441, और 441 का आप 21 से गुणा कर लो, 441 और गुणे 21, 441 का 21 में गुणा करेंगे तो शायद 92 61 आना चाहिए, ठीक है ना, देख लेते हैं। 21 × 21 एक हासिल 2, 21 × 84 2 86 6 हासिल 8, 21 × 84 और 8 92, ठीक 92 61, तो 9261 रुपये आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो हमने अगर क्वेश्चन को बदला है तो आंसर भी बदल लेंगे, 9261 रुपये, ठीक है ना, कहीं भी लिख लेना 9261 रुपये हो जाएगा। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि आराम से कट जाए, ठीक है ना, बस कटने के लिए ऐसा किया गया है, ओके। चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर को छमाही आधार पर संयोजित करने पर प्रभावी ब्याज की दर बताइए। 10% वार्षिक जो है ना, उसको अगर छमाही संयोजित किया जाए प्रभावी ब्याज की दर बताना है हमें, ठीक है ना। चलिए देखो, अगर छमाही संयोजित किया जाएगा तो इस जो 10% ये वार्षिक है एक वर्ष का, इसको छमाही में आप बदलोगे तो कहोगे 5% प्रति छमाही, 5% छमाही हो जाएगा ना, ये बात समझ में आ रही। चक्रवृद्धि ब्याज है तो आप डायरेक्ट लगा लो क्या, x + y और +xy/100। चक्रवृद्धि ब्याज में इसी तरीके से ब्याज बढ़ता है, तो 5% छमाही है, आपको 2 छमाही का बताना है, तो पहली छमाही का भी 5% और दूसरी छमाही का भी 5%, ठीक है ना, और प्लस x y मतलब 5 × 5 और 100,
पाँच पाँच दस और पाँच पचे पच्चीस, मतलब 10.25%। अगर छमाही लेगा तो उसे 10.25% ज़्यादा ब्याज मिल जाएगा, वार्षिक लेगा तो उसे 10% ही मिलेगा। कभी कभी यही हमसे पूछ लेता है अंतर कितने का है, तो अंतर कितने का है, 0.25% का, उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर ब्याज की दर जो प्रभावी होगी वो 10.25% आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अब देखो हमारा यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, रिलेशन बिटवीन SI एंड CI। ठीक है ना, यहाँ से हमें SI और CI में संबंध वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब ये अगले टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना, यहाँ से आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जहाँ पे SI और CI का संबंध दिया होता है। ठीक है ना, SI भी चलता है साथ में CI भी दिया रहता है। तो ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।